जनरली उन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे यहाँ उन्हें कन्वर्ट्स कहा जाता है तो कन्वर्ट का मतलब है कि आपने एक चीज़ छोड़ी है और दूसरी ले ली है। जबकि इस्लाम का तस्वुर यह है कि तमाम दीन दीन फ़ितरत हैं एक ही खुदा सोर्स की तरफ़ से आए हैं और हम तमाम अहले किताब के मानने वाले हैं और मज़ाहब के मानने वाले हैं तो उस सूरत में मतलब ये कि आप एक नए फेथ में एंटर हुए लेकिन आपने खुदा का जो दीन जिसमें आप थे उस ईमान को एक तरह से नहीं छोड़ा क्योंकि उसमें भी ईमान जो है वो जैसा हमने पहले देखा था एक ही तरह होता है ये एक अलग कल्चर ग्रुप बन जाता है कि वो एक वाइट मुस्लिम है मसलन या वो एक अफ्रीकन मुस्लिम है या एक फ्रेंच मुस्लिम है या वो ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम है या वो चाइनीज़ मुस्लिम है मैं इस्लाम का नाम इसलिए ले रही हूँ या इसका मिसाल इसकी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे मजाब हैं जिनमें आप कन्वर्ट नहीं हो सकते एंटर नहीं हो सकते जैसे ज्यूज जो हैं यहूदी वो पैदा होते हैं वो नस्ल भी है और दीन भी है हिंदू मत में भी ऐसे ही है कि आप बन नहीं सकते आप पैदा होते हैं क्योंकि उनकी नस्ल और दीन एक ही है कुछ मजहबे जिनमें आप अपना मजहब बदल के शामिल हो सकते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी ने कोई और दीन छोड़ के कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ गया हो अभी आजकल लेकिन इंडो पार्क में ये एक चीज थी कि बहुत से लोअर कास्ट के जिनको ये अछूत ज़ातें कहते हैं उनके जो हिंदू ज़ात के थे वो क्रिश्चियनिटी की तरफ गए क्योंकि उसमें उनको इंसानियत का दर्जा दिया जा रहा था बराबरी दी जा रही थी उनको चर्च से स्कूलों से हॉस्पिटल से मराहत मिलती थी उन्होंने नॉर्मल सिटीज़न की एडवांटेजेस मिल रही थी जो कि हकूक छूत जात को या इस बरदरी को वैसे इंडिया में हासिल नहीं थे तो पार्टीशन से पहले पूरे 200 साल की हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट होने वाले लोग थे अब आपको पता है कि बहुत से क्रिश्चियंस वाइट होते हैं दुनिया में तो क्या वो क्रिश्चियन जो वाइट हैं वो क्रिश्चियन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके कल्चर फर्क हैं है। उनमें कोई चीज़ कॉमन है वो भी है चर्च आते हैं शादी की तरह करते हैं लेकिन उनकी ज़बान खाने पीने हत्या कि उनके जो पाकिस्तानी कल्चर की रस्में हैं कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी होनी है कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है ख़ास तरह के खाने हैं वो पाकिस्तानी क्रिस्चनस में आपको मिलेंगे जबकि वाइट क्रिस्चन्स में नहीं होंगे अभी तक आप देख लें कि रिलीजन और कल्चर किस तरह मिलजुल के चल रहे हैं तो ये तो मैं आम लोगों की बात कर रही थी हमारे सामने एक बहुत अजीम मिसाल मौजूद है डॉक्टर मार्टन लिंग्स दो में इनकी वफात हुई है और ये माशाल्लाह नबे साल से ऊपर इनकी उम्र थी सीधे साइड पे जो तस्वीर है वो इनकी जवानी की है जब ये इस्लाम में एंटर हुए अपनी दिलचस्पी की वजह से और ये उनके जिंदगी के आखिरी दिनों की है वो तीस साल से भी कम उम्र में उनकी ये दिलचस्पी इतनी बढ़ चुकी थी दूसरे दिन में कि उन्होंने तमाम दीन को क्योंकि बॉर्न क्रिस्टन उन्होंने तमाम दीन अदियान का मतलब किया उन्होंने इंडिजनस uh, जो हैं रिलीजन्ंडिजनस इंडियंस के शाम वो भी पढ़े उन्होंने हिंदुज़म भी देखा उन्होंने बुद्धज़म भी देखा और फिर जब वो आखिरी दिन ये पढ़ते पढ़ते पहुँचे तो उन्हें वही बात लगी जो मैं पहले कह चुकी हूँ कि तमाम रस्ते एक चोटी की तरफ जाते हैं लेकिन आखिरी दिन में दीन मुकम्मल हुआ है दूसरी बात जो वो कहते थे अल्लाह उन पर बहुत रहमतें करे वो ये कहते होते थे पाकिस्तान आते थे हर सालों लोगों के साथ वक्त गुजारते थे और उन तमाम मुल्कों में जाते थे जहाँ पे लोगों ने उनसे बैत की भी थी ये एक सूफी सेंट कहलाते हैं इन्होंने वो ये बात कहते थे कि मैं जब चर्च जाता था तो मुझे बहुत सी कोई एक्टिव प्रैक्टिस नहीं नज़र आती थी हम लोगों को कोई पाँच दफ़ा नमाज़ नहीं पढ़नी हमारे अब रोज़े भी कोई रखता है कोई नहीं रखता मुझे गाइडेंस और मुकम्मल रास्ते तरीक़ और शरीयत की तलाश थी जिससे मुझे रियलिटी के बारे में पता चले तो वो बहुत एहतराम करते थे हज़रत ईसा और हज़रत मरियम का अलैहिस्सलाम का लेकिन जब वो इस्लाम में एंटर हुए तो उन्होंने एक प्रैक्टिस अपनाई और फिर वो तरीक़त यानी सूफीज़म की तरफ गए उनके बहुत से मानने वाले बैत किए लोग पाकिस्तान में हैं जॉर्डन में हैं अमेरिका में हैं इंग्लैंड में हैं मलेशिया में हैं अफ्रीका में हैं और इजिप्ट में हैं वो इन मुल्कों का चक्कर भी लगाते थे और कहते थे ये सब मेरी फैमिली है उनकी ये किताब जो है इसको 1983 में फोर में सीरत अवार्ड मिला पाकिस्तान की हकूमत यानी प्रेसिडेंट की तरफ से तो तब वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए ये किताब उर्दू में भी ट्रांसलेट हो चुकी है और बहुत से बच्चे जो इसे पढ़ते हैं क्योंकि ये सीरत की मुकम्मल किताब है और इस्लाम से पहले की हिस्ट्री से लेके और रसूल पाक के वसाल तक ये वसल्लम ये किताब मुकम्मल होती है तो ये मैंने बहुत से रिलीजियस स्टडीज़ जो इस्लामिक स्टडीज़ ए लेवल ओ लेवल के स्टूडेंट देते हैं वो कहते हैं कि हमें ये किताब इस्लामियत की तमाम किताबों से ज़्यादा मदद की क्योंकि ये बड़ा सिस्टमेटिकली लिखी गई है एंड एज इट्स एज बेस्ड ऑन अर्ली रिसोर्स तो जितनी सीरत की किताबें हैं इसमें उनकी कंसल्टेशन मौजूद है दो मिसालें और दे रही हूँ शेख हमजा यूसुफ ये अमेरिका में हैं डॉक्टर मार्टन लिंग्स जिनका मैंने पहले जिक्र किया था ये इंग्लैंड के शहरी थे वहीं पे पैदा हुए वहीं पे उम्र गुजारी और वहीं पे वफ़ात पाई और वहीं पे अपने घर के गार्डन में फूलों और झहाड़ियों को दरख्तों के नीचे उनकी कबर है जिसके ऊपर हम लोग और बहुत से और लोग जाके बैठते हैं फातिहा पढ़ते हैं शेख हमजा यूसुफ अमेरिका में इनका बहुत असर है इनके ये बहुत इस्कॉलर हैं इनके इस्लाम के ऊपर जो तसनीफ़ात हैं लेक्चर्स हैं वो बहुत मशहूर हैं यू कैन लुकेट अप ऑन गूगल लेफ्ट को है टिम विंटर्स और अब्दुल हकीम शायद इनका नाम है इन्होंने ये किताब लिखी है अब्राहम्स चिल्ड्रन यानी हज़रत इब्राहिम के दीन से जो बहुत से आगे जो पैगम्बर थे और उनसे जो तीन दीन निकले ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सेलिब्रेटेड स्कॉलर एंड ही इज़ एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यू तो ये है न्यू एंट्रेंस टू इस्लाम जिन में आपको उनका ओरिजिनल कल्चर उस हद तक नज़र आएगा जिस हद तक वो इस्लाम के दीन से मुतसादिम नहीं है या उसके ऑपोजिट नहीं है तो वो अंग्रेज़ खाना खाएंगे अंग्रेज़ों वाला ही खाएँगे ज़रूरी नहीं वो आपकी बिरयानी खाएं लेकिन वो इस्लाम को उसी तरह प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि तमाम दुनिया के मुसलमान जब से काय इस्लाम आया है और आज तक करते रहे हैं और करते रहेंगे ये लोग बहुत सारे लोगों के लिए रहनुमाई का भी बायस बने और उन्हें दीन की तरफ समझ देने का भी बास बने लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने तमाम मजाहब को जोड़ के रखा और उन सबका एहतराम किया और हमें भी सिखाया